मैं बहुत छोटा था तब से एक्टर बनना चाहता था, ऑलवेज. मुझे कोई और कुछ बनना ही नहीं था. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू एंटरटेन. उनका ख्याल भी है बस अब नाम का ख्याल, जी उनका ख्याल हाँ भी है बस अब नाम का ख्याल, वहशत ना हो सवार तो किस काम का ख्याल. जिस जगह जुनून नहीं है, आप पैशनेट नहीं है, आप जुनूनियत, तो फिर वो जीनियस नहीं हो पाएंगे, फिर वो रह जाएगा. एक शायराना माहौल हो जाता है जी, संगीतमय, सर की बनाई हुई धुने, उनके इजाद किए हुए म्यूजिकल नोट्स, वो मुर्कियां, वो जादुई माहौल, सकल बन, ये सारी चीजें. कि क्या देखा संग तराश ने मेरी आंखों में, कि बुत मेरा नहीं उसका बना बैठा. मोहब्बत की हद है, मैं तो आंखें ही देखता रहता था उनकी. जहां आप मुतमईन हो गए, सेटिस्फाइड हो गए, जी वहां आई थिंक आप रुक गए. मुझे रुकना मंजूर है नहीं. मंडळी नमस्कार, मी प्रेरणा, तुम्ही बघताय सकाळ. खरं तर सध्या हिरामंडी या सिरीजची सगळीकडे चर्चा आहे, लोकप्रियता आहे, सोशल मीडिया असेल सगळीकडेच या सिरीज बद्दल बोललं जाते, या सिरीज मध्ये काम केलेल्या कलाकारांबद्दल बोललं जाते, अर्थात संजय लीला भंसाळी यांची ही सिरीज. आणि या सिरीज मध्ये एक महत्वाची भूमिका साकारणारं जे पात्र आहे, या मुलाखतीच्या माध्यमातून त्या कलाकारांसोबत आज आपण गप्पा मारणार आहोत. उस्ताद जी म्हणजे या सिरीज मध्ये खूप लोकप्रिय झाले हे पात्र, आणि हे पात्र साकारलंय इंद्रेश मलिक यांनी, आणि त्यांच्यासोबत आज आपण गप्पा मारणार आणि या पात्राविषयी किंवा त्यांच्या अनुभवाविषयी जाणून घेणार. बहुत बहुत स्वागत है इंद्रेश जी, सकाळ में कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आपने मुझे बुलाया उसके लिए धन्यवाद करता हूँ. जी आप, आपके घर में आए हैं हम, और आपने इतनी अच्छी चाय पिलाई हमें आज. अच्छी लगी जी, बिल्कुल. इंद्रेश जी, हीरामंडी जिसमें अदब की बात है, इश्क की बात है, जहाँ बेगम जान है, हुजूर है, मलिका जान, जी मलिका जान है, हुजूर है और उस्ताद आप है. और ये सीरीज देखने के बाद मुझे लगता है कि आप एक्टिंग के उस्ताद हैं. ये क्या तो क्या फीडबैक्स मिले हैं आपको? अब गेटिंग गूज बम्स, रोंगटे खड़े होते हैं जी. एक्टिंग का उस्ताद तो मैं कभी नहीं बन सकता जी. स्काई इज द लिमिट. बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ सीख रहा हूँ. एंटिल आई एम अलाइव आई विल कीप ऑन लर्निंग. जब तक जिंदा हूँ मैं सीखूंगा. नहीं, गूज बम्स तो आपके किरदार को देख के हमें आया, क्योंकि जिस तरह से आपने वो किरदार निभाया है, लोगों को काफी पसंद आ रहा है. थैंक यू. फीडबैक्स मिले हैं आप बता सकते हैं? ब्रिलियंट फीडबैक, एडुलेशन बहुत स्ट्रांग मिला, उम्मीद से ज्यादा मिला. अगेन बोलूंगा गूज बम्स आते हैं और मुझसे एडुलेशन कैसे एक्सेप्ट करूं मुश्किल होता है. कुछ तो ऐसे मिले कि आई गॉट चोक्ड. इट एक्चुअली चोक्ड मी इमोशनली एंड आई वॉज मिस्टी आइड. इतने ब्यूटिफुल कॉम्प्लीमेंट्स मिले. थैंक यू एवरी वन फॉर योर सपोर्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स. मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरा काम पसंद किया. आपको कई बार पूछा जा रहा है कि आपको किस तरह से रोल मिला ये, लेकिन ये किरदार, जब आप इस किरदार में आए, जो पहला शॉट था, पहला सीन था, उसका कुछ वाकया किस तरह से बता सकते हैं कि पहले ही शॉट वो आपने जब दिया इस किरदार के लिए, उस्ताद जी के लिए, वो किस तरह से रहा? इंट्रोडक्शन सीन मुझे जब करते करते पता चला कि ये सर आए एक दिन, वही जो शूट चल रहा था, तो संजय लीला भंसाली ने मुझे कहा ये आपका इंट्रोडक्शन शॉट है. अमूमन नहीं बताया जाता कि आप जो शूट कर रहे हैं वो कहाँ कैसे कब फिट होना है. बिल्कुल. तब मुझे रियलाइज हुआ ये इंट्रोडक्शन शॉट है. तो फिर मैंने कहा और पेप अप करता हूँ अपने आप को, और प्रिपेयर करता हूँ. वो पहले पहले पहला जब मलिका जान मेहंदी लगा के जो दिखाया, वो आती है, पर्दा खुलता है, वो चार लोग लहंगा उठाते हैं उनका, वो मेरा तो थोड़ा वक्त लगा. कैरेक्टर में ढला नहीं था पूरी तरह से. सर को समझने में भी, एटमॉस्फेयर को समझने में भी, वो शुरुआती दौर था. टुक मी सम टाइम टू रियलाइज एंड यू नो ग्रास्प. एक वो डेलिकेट लाइन है इस कैरेक्टर, थिन लाइन. हाँ हाँ. तो उसमें आने के लिए जब पहली बार रूबरू हो गए आप इस किरदार से, पहली बार ही पहले पहले प्लेस में ही वो आ गया था, क्या लगता है आपको उसके लिए? सर की ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी. हाँ. उनकी इंटेलिजेंट ब्रीफिंग मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. द कंप्लीट डायरेक्शन टीम, द क्रिएटिव टीम, अबव ऑल सर का डिसीजन. हर रोज शूट से पहले 11:30 अमूमन तैयार होके, कोई ऐसे आधा
मेकअप में, कोई के बाल खुले, कुछ जितना जैसे जो रेडी था, मैं तो गाउन में ही पहुंच जाता था, मैं गाउन पहनता था जी। तो वो उसमें वहां, अच्छा आप ऐसे आए, कई बार पूछते थे अच्छा ऐसे आए, फिर मैं बैठ जाता था वहां जाके, फिर सबकी इनपुट्स ली जाती थी, सबसे पूछा जाता था कि इसकी जगह आप क्या के? फिर डिसीजन सर का होता था, और कीपिंग इन माइंड द बेस्ट फॉर द सीन एंड द सिनेरियो, प्रोटोकॉल के तहत एक डिसीजन लेके फिर उसको शूट किया जाता था जी। लेकिन संजय लीला भंसाली, कहा जाता है कि हर एक एक्टर का सपना है उनके साथ काम yes, करना, और ग्रैंड सेट है या फिर उनकी जो जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं वो फिल्मों को, उसके सब्जेक्ट को, वो बहुत ही बेहतरीन होता है। जीनियस है मैम जी, जीनियस है, और फिर से कहूंगा गॉड हैज फुलफिल्ड माय विश टू, दिस इज माय सेकंड प्रोजेक्ट विद हिम दैट आई कुड वर्क अंडर हिज गाइडेंस इन दिस सेकंड प्रोजेक्ट एंड दैट आल्सो हीरा मंडी, थैंक यू सर। सेट जब हम देखते हैं ना सीरीज में, वो काफी सुंदर नजर आता है सब सेट, तो इत्र की खुशबू, मेहंदी लगा रहे हैं, खूबसूरत आउटफिट्स है, खूबसूरत सेट्स है, वो किस तरह से था, क्योंकि वहां पे आप पूरी पूरा टाइम वहां पे बिताया है आपने। एक शायराना माहौल हो जाता है जी, संगीतमय, सर की बनाई हुई धुने, उनके इजाद किए हुए म्यूजिकल नोट्स, वो मुर्कियां, वो जादुई माहौल, सकलबन, ये सारी चीजें तो किसी और एरा में ले जाता है, वो पॉसिबल नहीं है जब तक आपके आसपास पानी के फवारे ना हो, वो खूबसूरती ना हो, वो असली पोशाकें गहने ना हो, वो इत्र ना हो, वो खुशबू ना हो, वो कैसे हुक्का ना हो, वो चीजें कैसे आएंगी, वो फीलिंग को इजाफा होता था, फीलिंग उसको एक्सप्रेस करने में ये चीजें बहुत मदद करती थी। पीछे शमादान जल रहा है, झूमर है, पतली वाली ईंटें हैं, बिकॉज माई एंसेस्टर्स, माई फोर फादर्स वर फ्रॉम रावलपिंडी, सरगोधा, लाहौर, तो पंजाब का जब पाकिस्तान नहीं बना था, इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, तो ये लोग सब वहां से थे, उर्दू ज और ज कान में बचपने से था, दादाजी पंजाब केसरी उर्दू का पढ़ते थे, माई दाद ग्रैंड मदर वॉज अ प्रिंसिपल रिटायर्ड, तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, और कहानियां सुनी थी, तो उर्दू तलफ्फुज जो था वो ज ज पता था, तो ये बहुत सारी चीजें क्लब कर गई और प्लस कर गई, इट एडेड टू द कैरेक्टर, कैरेक्टर को भी हेल्प करता है, उभारने में मदद हुई, बहुत मदद हुई। भंसाली सर से बहुत लोग प्रभावित होते हैं, आपको क्या चीजें जो है वो प्रभावित कर गई उनके काम करने की? मुझे तो पूरे के पूरे प्रभावित करते हैं वो, कंप्लीट, प्रभावित से ऊपर करते हैं वो और आई लव यू सर unconditionally, and who doesn't? So I'm one of those crores and crores of people who love Sanjay Leela Bhansali. पर उनकी आँख मेरे पे पड़ जाती है, मुझे प्यार बहुत किया, गुस्सा कभी नहीं किया, I've been fortunate. Stern होते थे, जिद होती थी, passion, जुनून, क्यों ना हो, हक बनता है, एक genius का हक बनता है, और I used to always take it in that positive stride. कि भाई ये कुम्हार है, मैं मिट्टी हूं, ये रौंदेगा मुझे, और फिर उसमें से एक ब्यूटीफुल स्कल्प्टर है, संग तराश है, कि क्या देखा मेरी आंखों में संग तराश ने, ये मेरा अपना लिखा है, मैं मुंह से निकलता, मैं कभी लिखता हूं, मेरी काबिलियत नहीं है, कि क्या देखा संग तराश ने मेरी आंखों में, कि बुत मेरा नहीं उसका बना बैठा, मोहब्बत की हद है, मैं तो आंखें ही देखता रहता था उनकी। होता है ना कि किसी डायरेक्टर के साथ काम करना और उनसे काम करते वक्त एप्रिसिएशन भी मिलना, क्योंकि भंसाली सर से आपको वो एप्रिसिएशन सेट पे ही मिला, मैंने सुना कि उन्होंने 500 का नोट, मतलब उनकी तरफ से ही आना बहुत बड़ी बात, वो 500 रुपए मुझे अभी लेने हैं, मैंने तो रख के लिख लिख, उन्होंने कहा मैं 500 रुपए का नोट तुम्हारे लिए, ये कहा, फिर ये भी कहा कि हर रोज अच्छा काम करो, मैं तुम्हें 500 रुपए दूं, वो लिख लिए मैंने, मैं इकट्ठे करता रहूंगा, शून्य बढ़ जाएंगे उस बहाने, फिर मेरे को और काम भी मिलता जाएगा, पिछले 500 लेने और 500 लेने,
अच्छा वन बनो कलेक्टेड। बहुत अच्छे सीन है इसमें जो आप उस्ताद जी के जो सीन्स हम देख रहे हैं सोनाक्षी के साथ बहुत ज्यादा मुझे लगता है आपके सीन्स हुए वो किस तरह से था अनुभव मनीषा जी हो सोनाक्षी है फरीदा जलाल जी हाँ वेटरन वेटरन फरीदा जी थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद ऑल ऑफ अस। मैं मुरीद हूँ आपका और हमेशा रहूंगा। आप खूब तरक्की करें और तरक्की करें, ये तो इतना कुछ करने के बाद भी बहुत सारी तरक्की करें और हमारे सरों पे रहें। आपको बहुत सारी सेहत और बहुत सारा प्यार। फरीदा जी के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था और मेरा वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेसेस एक्टर्स कमाल का उनके साथ होना बहुत बड़ी बात थी, स्क्रीन शेयर करना। मनीषा जी ऑफ ऑल द पीपल, व्हाट अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड एनिग्मैटिक एक्ट्रेस। बहुत सारी पेशेंस, बहुत सारा जुनून और उनमें एक पेशेंस और सख्ती है कैरेक्टर में जो वो बिल्कुल कैरेक्टर में थी। सख्ती माने मल्लिका जान की जो सख्ती थी ना वो मनीषा जी में दिखती थी, वो जो स्टर्ननेस थी। सोनाक्षी जी अनदर शार्प इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल वंडरफुल एक्ट्रेस। बहुत हेल्प हुआ, बड़ी बड़ी मदद हुई मेरी कि इतने नामचीन लोग अदिति राव हैदरी, संजीदा शेख, शर्मिन, ऋचा चड्ढा जी ऑफ ऑल द पीपल, फरदीन ताहा, जयती भाटिया, आई लव यू जयती एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर। काफी लोगों के साथ मेरे सीन नहीं रहे जी, बहुत सारे लोगों के साथ रहे। निसार साहब थे तो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, थैंक यू एवरीवन। लेकिन जैसे आप कई बार बोल रहे कि आप दिल्ली से मुंबई आए, एक्टिंग का शौक था, एक्टिंग एक्टर बनना ये उसमें क्या छिपा हुआ था? एक्टर बनना है क्या क्या चीजें थी उसमें? मैं बहुत छोटा था तब से एक्टर बनना चाहता था, ऑलवेज। मुझे कोई और कुछ बनना ही नहीं था, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू एंटरटेन। तो स्कूल में भी थिएटर करता था, किरोड़ी मिल कॉलेज दिल्ली, द प्लेयर्स, केवल अरोड़ा tamed me, taught me how to do the nuances about stage, theater, a veteran. Ibrahim Alkazi sahab ka student raha uske baad. Meri khushkismati. Love you, sir, from the bottom of my heart. And ye sab hua, phir Karol Bagh ek serial hua, 12/24, Karol Bagh. Wo kuch din ka cameo tha, phir wo tezi pakad li, 15 saal, wo serial aur aaj बहुत सारे नॉमिनेशन मिल गए थे उस सीरियल में, अवार्ड्स मिले पहले सीरियल। अगेन गॉड हैज बीन काइंड, आई लव माय फैमिली, माय फ्रेंड्स अराउंड मी, होल हार्टेड सपोर्ट। हाँ मुश्किल थोड़ा बहुत था, बट देन आई एम अ फाइटर। डू यू बिलीव कि कोई कलाकार है या कोई भी क्षेत्र है उसमें अगर कुछ सोचते हैं, कुछ सपने देखते हैं, अगर उसके लिए जीव जान लगा दे तो वो साकार होते हैं? आपके साथ ये हुआ है? एक फिर से शेर सुनाता हूँ कि वाह मजा आया। उनका ख्याल भी है बस अब नाम का ख्याल जी। उनका ख्याल भी है बस अब नाम का ख्याल, वहशत ना हो सवार तो किस काम का ख्याल। जिस जगह जुनून नहीं है, आप पैशनेट नहीं है, आप जुनूनियत, तो फिर वो जीनियस नहीं हो पाएंगे, फिर वो रह जाएगा। यू हैव, आप देखती होंगी कई लोग जो अपने काम में बहुत माहिर हैं, साइंटिस्ट फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स, कि कितना ज्यादा पढ़ाई, रिसर्च, कितना जुनूनियत से ये करते रहे, थीसिस लिखने, किताबें पढ़नी। सो किसी भी जगह जहां जुनूनियत नहीं है, आप पैशनेट नहीं है, आई कैन यूज डिफरेंट वर्ड्स, उसके बिना फिर कैसे अचीव होगा जी? जुनून जरूर। आप वेल रेड होके आते हैं, जर्नलिस्ट है, खूब रिसर्च करके आते हैं, और क्या धारा प्रवाह बोलती हैं आप जब बोलती हैं बिना फ्लॉ के, तो आपकी भी तो कोई रिसर्च होती होगी जी, टू मेक दिस होल सिनेरियो अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, सो दैट द ऑडियंस कैन कनेक्ट विद यू जी। दैट्स इट, वही जुनून मुझे लग रहा है आप तक ये जो सीरीज लेकर आया। और है? उस्ताद जी जो है बहुत सारे लोगों का प्यार मिल रहा है उस्ताद। थैंक यू एंड आई लव इट, आई एम लविंग ईच एंड एवरी यू नो कमेंट एंड टेकिंग इट इन द राइट स्ट्राइड
और मेहनत की कोशिश करूंगा। मुझे तो लगता है बहुत सारे लोग बार बार देखेंगे ये सीरीज। जरूर तो देखिए, बार बार क्या, देखते ही रहिए, 4-5 साल यही देखिए। क्वीयर कम्युनिटी से कुछ फीडबैक्स वहां से आए, उन्होंने कुछ उनकी तरफ से क्या था? बहुत सारा फीडबैक आया और मुझे स्पेशली LGBTQIA क्वीयर कम्युनिटी, जिसको आप हम एक नाम बन गया, एक तरीका बन गया उनको एड्रेस करने का जी। कि भाई बहुत सहजता से, विदाउट बीइंग ओवरबोर्ड, क्लिशेड ना होते हुए, जो रूटीन में दिखाया जाता है वैसा ना करते हुए, आपने बहुत बिलीवेबल तरीके से, एक सस्टेनेबल तरीके से उसको, ओवर ना जाते हुए, ओवर द टॉप ना जाते हुए उसको दिखाया। ये कॉम्प्लीमेंट्स तो खूब आए। सबसे बढ़िया फीडबैक क्या था इस किरदार के लिए आपको, जो जहन में हमेशा रहेगा कि ये, या किस इंसान से मिला है? बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ आया और अलग अलग तरीके से आया। देयर इज दिस ओल्ड लेडी 75+ फ्रॉम US, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका एक मैसेज आया था कि आपने, मैं दादी हूँ, ऐसा उन्होंने कुछ लिखा था, और आपने जो कैरेक्टर किया तो मुझे लगा कि आप मेरी बेटी हो और मुझसे पैदा हुई हो, ऐसा कुछ लिखा था। बहुत वार्म था और बहुत एक ब्यूटीफुल फीलिंग था उनकी बातचीत में, आई कुड यू नो सेंस दैट। और संजय जी, लीला बंसाली ने प्रेमियर पे जैसे मुझे हक किया, बहुत सारा प्यार किया, वंस अगेन बहुत टचिंग था, थैंक यू सर। लेकिन सर आप शरारती में है क्या? कुछ वीडियोस देख रहे हैं हम आप सेट पे, वो जो डांस स्टेप्स जो है ट्राई करके देख रहे हैं। मैं शरारती तो बहुत ज्यादा हूँ। ओके, जरूर से ज्यादा ही शरारती हूँ थोड़ा। आज बहुत अदब के साथ है ऐसा कह सकते हैं हम। अदब के साथ कैमरे के सामने नाचूंगा तो नहीं मैं अभी, फट 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 आप फॉर्मल इंटरव्यू में आए हैं और बहुत शरारती हूँ, और क्यों ना हो, शरारत मेरे अंदर का एक हिस्सा है, और वो जो शरारती बच्चा अंदर है वो हमेशा रहेगा, उसके बिना तो फिर मेरे से तो नहीं चला जाएगा। और आखिरी सवाल ये कि किसी भी किरदार के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अगर अप्रिसिएट किया जाता है या फिर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है वो किरदार, तो कंटेंटेड या फिर सेटिस्फाइड होना चाहिए उस चीज के लिए, उस वक्त के लिए समाधान उस चीज का लेना चाहिए, वो अनुभव? आई डोंट थिंक सो। जहां आप मुतमईन हो गए, सेटिस्फाइड हो गए जी, वहां आई थिंक आप रुक गए। मुझे रुकना मंजूर है नहीं, सीखना है, बहुत सीखना है। और रुकिए भी मत। क्यों रुकूं? जी जी, रुकूंगा नहीं। हमारे लिए अलग अलग किरदार ऐसे लेते आइए, लाऊंगा। और लास्टली मुझे जिनके साथ आपने इस सीरीज में काम किया है अगर उनके बारे में एक एक अगर आप पूछे तो, मनीषा जी के बारे में? कमाल की शख्स है, वेटरन, खूब काम किया उन्होंने और शानदार काम किया है। हु डजंट नो हर, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रही, वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेसेस। बहुत हिम्मत और बड़ी शानदार एक्ट्रेस है। एनिग्मैटिक इज वन वर्ड आई यूज अबाउट हर। सोनाक्षी, वेरी शार्प, इंटेलिजेंट एंड अ वंडरफुल सोल। पेशेंस बहुत है। रीचा चड्ढा, एक उनका लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रेल है और वो दिखता भी है, हेडस्ट्रॉन्ग, टू द पॉइंट, वेरी इंटेलिजेंट, और उनका किरदार भी काफी दबंग है। यस, एंड बहुत खूबसूरत दिखती है अपने इस ऑरा में। मैम, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट एंड आई लव यू। आदित्य, डेलिकेट, एक छुपा हुआ पैकेज है उनका, बाद में समझ में आती है। क्या छोटी छोटी मुर्गियां ली हैं उन्होंने, वो जो मुजरा किया है फरदीन जी के साथ, कमाल। और म्यूजिक की समझ है। She told me that her mother used to sing or sings thumri, correct me if I'm wrong. और हाँ, बहुत शानदार अभिनेत्री हैं, and way to go. संजीना, a brilliant actress. सभी शानदार लोग। मैंने कॉम्प्लीमेंट किया संजीदा जी को कि वो जो पेन थी ना उनकी हंसी में, जो
खनक थी, एक पेन वाली खनक जी, खुनकी तो नहीं कहूंगा, खनक थी, आवाज में एक हस्ती भी थी तो एक खनक आती थी, दर्द वाली, कसक वाली। क्या ब्यूटिफुली पोर्ट्रे किया है उसको, हैट्स ऑफ, हर एक के बस की बात नहीं है, ब्यूटिफुल। संजीदा जी, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। आलमजेब जॉब की, अरे वो तो वंडरफुल सोल एंड अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग। अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी मिले तो ऐसे उछल उछल के मिली, हग्ड मी, अरे इतनी मोहब्बती लड़की है, एंड अ वेरी प्योर सोल, जो जबान पे है, जो दिल में है, वो सामने है। और मेरे साथ तो बहुत मस्ती की, एंड शर्मिन थैंक यू फॉर बीइंग देयर, लोड्स ऑफ लव। सुपर, इतने सारे किरदार है इस, और हर एक किरदार जो है कुछ कहना है उस किरदार का, और उसी से जो पूरी स्टोरी है इस सीरीज के सामने आती है, जो भंसाली सर ने काफी बेहतरीन तरीके से पेश किए, और आपका किरदार उसके लिए भी, हम मराठी में बोलते हैं अभिनंदन, तो आपका अभिनंदन उस चीज के लिए। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मुझे इंटरव्यू करने के लिए, और मेरे काम को पसंद करने के लिए, और पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ, भंसाली प्रोडक्शंस, नेटफ्लिक्स, द होल क्रिएटिव टीम, द प्रोडक्शन, मेकअप गाइज एंड कॉस्ट्यूम्स, जो भी कंप्लीटली इन्वॉल्व रहे हैं, राइट फ्रॉम द लाइट मैन, मेरे डीओपी सुदीप जी, टीम ऑफ डायरेक्टर्स, मिताक्षरा जी, आशना, स्नेहिल, विभूपुरी, अभिरुचि, डोयल और सिमरन, यू बीन ऑफ ग्रेट सपोर्ट। आशना तो डेफिनेटली, उसके साथ तो बहुत मस्ती होती थी, और बड़ी मोहब्बत भी एक रही, बॉन्डिंग रही, बड़ी सच्ची लड़की है। और ये जमावड़ा था पूरा, वामा वॉज देयर, आई लव यू वामा, एंड शिवम राजपूत वॉज देयर, बहुत सारे लोग थे, किसी का नाम भूल रहा हूँ तो माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू के लिए, और आपको बहुत सारे शुभकामनाएं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें, और मेरे बहुत सारे अच्छे कामों के, या नहीं कम अच्छे वाले का भी इंटरव्यू कर ले। थैंक यू मैम, एंड गॉड ब्लेस, थैंक यू। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ, सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।